Very good morning, hello student. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you, student? I hope you all are fine. Today I am teaching you EVS. Now I am going to take up chapter 9, force and work. So students, ये chapter आपके EVS के science portion का chapter 9 है, जिसका name है force and work. Okay student. तो आज हम ये chapter को पढ़ेंगे, समझेंगे, read करेंगे. आप भी मेरे संग read करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे. Okay student. तो start करते हैं force and work. तो student, force and work ये chapter आपका है. तो what is done to move an object which is at rest. मतलब जो ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ है, जैसे बॉल है, कुछ भी है, वो रेस्ट है, मतलब वो रुका हुआ है, उसको चलाने के लिए हमें क्या करना होगा. वी ऑफ्टन मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय पुशिंग और पुलिंग देम. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसे या तो पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा, या तो उसे धक्का देना पड़ेगा या फिर उसे उठा के लिए उठाना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट. पुश, अ चाइल्ड पुशेस द बॉल विथ फुट एंड इट्स रोल. जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बॉल को अपने पैर से मारते हैं और बॉल क्या करती है, रोल होती हुई भरती है. अ बॉय पुशेस द कार्ट टू मेक इट मूव. जब बॉय एक कार्ट को पुश करता है, उसे पुश चलाने की कोशिश, तो वो मूव करता है, चलता है. अ पुश ऑन द पैडल मूव द बाइसाइकिल. जब हम साइकिल के पैडल को अपने पैर से पुश करते हैं, चलाते हैं, दबाते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, बाइसाइकिल चलती है ना. ओके, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पुश, किसी चीज़ को धक्का देना या फिर चलाना. ओके, पुल, टू मैन पुल देयर कार्ट. जो टू मैन है वो पुल कर रहे हैं कार्ट को. द रिक्शा मूव बिकॉज द रिक्शा वाला पुल इट. जो रिक्शा है वो चल रहा है क्योंकि जो रिक्शा वाला है उसके जो पैडल्स को पुल कर रहा है, उसे चला रहा है. पुल कार्ट द पुल बुलक पुल द कार्ट टू मेक इट मूव. जो बुलक है वो भी चल रही है क्योंकि जो उसका पुलक कार्ट है वो भी उसे मूव कर रहा है. दिस पुल और पुल पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. ये पुश और पुल क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है. क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, फोर्स कहलाता है. इन पुशिंग और पुलिंग वी हैव टू अप्लाई फोर्स. पुश करने में और पुल करने में, मतलब धक्का देने में और आगे बढ़ाने में क्या लगता है, हमारा फोर्स लगता है स्टूडेंट. क्या लगता है, हमारी एनर्जी लगती है, हमारा फोर्स लगता है. ओके, मतलब हमारी वो लगती है ना, हम थोड़ा किसी को बढ़ाएंगे या बॉल में किक करेंगे तो हमारे पैर उठेगा, उसे मारेगा, तो उसे क्या कर, उसमें क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है. What is done to stop a moving object? अब एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए क्या करना है हमें, अ फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. इसमें भी हमारा क्या लगता है, फोर्स लगता है. एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमारा क्या लगता है, फोर्स लगता है. डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इफ़ यू किक अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, यदि हम एक ग्राउंड पर पड़ी हुई बॉल को किक करेंगे, इट विल गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो एक ना एक डायरेक्शन में जाएगी. नाउ किक दिस बॉल विथ अबाउट द सेम फोर्स बट फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन. अब हम उस बॉल को दूसरे, मतलब सेम फोर्स से मारेंगे जैसे हमने पहले मारा था, पर वो किस समय कब जाएगी, कहाँ जाएगी, दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, उसी डायरेक्शन में सेम नहीं जाएगी. द बॉल गोज ऑफ इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, द फोर्स वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन. मतलब जो देखो, हमने पहले एक बॉल रखी थी ग्राउंड में, उसको किक किया तो वो पहले किसी और डायरेक्शन में गई, फिर हम उस बॉल को दोबारा किक करते उसी सेम फोर्स से, तो वो बॉल किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएगी. इसका मतलब है जो फोर्स ऑफ वर्क है वो अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करता है. पढ़ेंगे ग्रेटर फोर्स. द फोर्स ऑफ अ ब्रीज जेंटल विंड मेक अ फ्लैग फ्लटर. जो एक चलती हुई तेज हवा है उससे क्या होगा, उससे जो जो फ्लैग है वो उड़ेगा. द फोर्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म डिस्ट्रॉय अ हाउस. एक जो स्टॉर्म, एक तेज तूफान का जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, एक घर को डिस्ट्रॉय कर सकता है. द फोर्स ऑफ अ स्टॉर्म इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ अ ब्रिज. जो फोर्स ऑफ स्टॉर्म है वो ज़्यादा ग्रेटर है फोर्स ऑफ ब्रिज से. ओके स्टूडेंट, फोर्स मूव्स थिंग्स इन डिफरेंट वे. अब हम पढ़ेंगे फोर्स मूव्स थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. ओके, मूवमेंट इज ऑफ डिफरेंट टाइप. मूवमेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, पुश, पुल, लिफ्ट, हीव, स्क्वीज, ट्विस्ट, टर्न, बैंड, ब्रेक. मतलब पुश करना, पुल करना, लिफ्ट करना, हीव करना, ट्विस्ट करना, टर्न करना, ब्रेक करना. तो ये क्या क्या अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट है. फोर्स में कॉज ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग, स्टॉप, चेंज डायरेक्शन और मूव फास्ट और स्लो. जो फोर्स होता है वो एक ऑब्जेक्ट का कारण होता है कि वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, तेज चल रहा है, स्लो चल रहा है, ये क्या है, ये फोर्स का कारण है. अ प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ रोलिंग बॉल बाय किक इट. जो प्लेयर है वो एक अपनी, मतलब अपनी किक से एक जो फुटबॉल, रोलिंग फुटबॉल है, उसका डायरेक्शन चेंज करता है. द बॉल रोल ओवर इन अनदर डायरेक्शन. तो जो बॉल है वो दूसरे डायरेक्शन में जाती है. इफ़ वी पैडल हार्डर अवर बाईसाइकिल मूव फास्ट. हम अपने जो साइकिल के पैडल को हार्डर करेंगे, जल्दी जल्दी तेजी से करेंगे, तो बाईसाइकिल तेज चलेगी. इफ़ वी पैडल स्लोली, यदि हम स्लोली स्लोली चलाएंगे उसे, अब बाईसाइकिल मूव स्लो है, हमारी जो बाईसाइकिल है वो स्लो चलेगी.
वर्क, अब हम पढ़ेंगे आगे वर्क। अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब एक रेस्ट ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स अप्लाई करना। समटाइम इट मूव एंड समटाइम इट मे नॉट, समटाइम तो ये चलती है समटाइम नहीं चलती। व्हेन अ फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट टू सम डिस्टेंस इट इज सेड दैट द वर्क इज डन। फोर्स हेल्प अस टू वर्क, तो मतलब जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ी डिस्टेंस तक क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो फोर्स है उसने वर्क किया, वर्क डन हुआ है। इसमें क्या करता है, फोर्स हमारे वर्क को करने में हेल्प करता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड अपॉन द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव, जो कितना वर्क हमारा डन हुआ है ये डिपेंड करता है हमारे फोर्स पे, और मतलब कितना जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस तक मूव किया है। जैसे हमने तेज फोर्स से साइकिल चलाई तो वो साइकिल तेज चलेगी, तो जो इतना हम तेज हमारा वर्क होगा है ना, हम धीरे करेंगे तो वो धीरे होगा। तो ये हमारे फोर्स पर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, टेबल बट कैन नॉट मूव आ रॉक, हम एक टेबल को मूव कर सकते हैं बट एक बड़े से पत्थर को मूव नहीं कर पाएंगे। इफ वी अप्लाई ऑल आवर फोर्स टू मेक अ हैवी लोड एंड कुड नॉट मूव इट देन नो वर्क इज डन, यदि हम ज़्यादा हैवी फोर्स लगा रहे हो, कोई हैवी लोड को हम मूव करना चाहते हैं बट वो मूव नहीं हो रही, तो इधर क्या हो रहा है, इधर हमारा जो फोर्स है वो वर्क नहीं कर रहा है। When a rope is pulled by both sides and it does not move, no work is done, किसी भी एक रस्सी को दोनों साइड से खींचा जाता है तो मतलब दोनों का फोर्स लग रहा है, दोनों साइड से बोथ साइड से फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। यहाँ पे कोई जो फोर्स है वो काम नहीं करेगा क्योंकि जो दोनों साइड से फोर्स लग रहा है ना, इसलिए जो यहाँ पे फोर्स वर्क नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा चैप्टर, अब हम पढ़ेंगे इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर। वी ऑफ्टन मूव ऑब्जेक्ट बाय पुशिंग और पुलिंग देम, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर किससे पुश और पुल करना है। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, पुश और पुल क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अ फोर्स मे कॉज ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग, चेंज स्टॉप, चेंज डायरेक्शन, मूव फास्ट और स्लो, जो फोर्स है वही कारण है किसी ऑब्जेक्ट के स्टार्ट होने का, उसके चलने का, उसके रुकने का, उसके मूव करने का स्लो फास्ट, उसके डायरेक्शन चेंज करने का। ओके, फोर्स हेल्प अस टू वर्क, फोर्स हमें वर्क करने में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको चैप्टर समझ में आया, इसके हर्ड वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको नोट करने हैं, उसके बाद आपको चैप्टर दोबारा पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।